पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने आगर मालवा में सुनील व्यास नाम के व्यक्ति के साथ हुई मारपीट की घटना की निंदा की है। उन्होंने मामले में भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने बताया कि आगर विधानसभा क्षेत्र के सुनील व्यास ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ के स्थानीय विधायक मधु गहलोत के इशारे पर उनके चार व्यक्तियों ने 2 जुलाई को उनके साथ बहरी में से मारपीट की, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि मारपीट की घटना के बाद सुनील व्यास और उनके भाई द्वारा वीडियो जारी कर आरोप लगाया गया है, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वानखेड़े ने बताया कि पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आगर में एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, साथ ही पीड़ित को न्याय एवं सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की जाएगी। एक व्यक्ति है सुनील व्यास नाम से, जिसके मैंने आपको वीडियो फुटेज दिखाया, जिसका बयान मैंने आपको दिखाया और उसके भाई का बयान मैंने आपको दिखाया वीडियो में। सुनील व्यास को 2 तारीख को रास्ते में रोक के 3-4 लोगों ने रोक के उसके साथ मारपीट करी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, जान से मारने का उसका प्रयास था। 2 तारीख की घटना है, आज 6 तारीख हो गई। हालात इतने बुरे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये स्पष्ट तौर पे आरोप लगा रहा है, स्पष्ट बयान दे रहा है कि मुझ पर हमला आगर के भाजपा के विधायक मधु गहलोत ने करवाया है। लेकिन 2 तारीख की घटना होने के बाद आज 6 तारीख हो गई, 4 दिन से आज दिन तक के पुलिस ने उसकी कोई सुध नहीं ली, पुलिस ने आज दिन तक के कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया। 2 लोगों को आम जनता ने स्पॉट पे ही पकड़ लिया, स्पॉट पे पकड़ के पुलिस के हाथों उन्हें किया, लेकिन उन लोगों को भी पुलिस ने छोड़ दिया। यहाँ तक के तो ठीक है, हालात इतने बदतर हैं कि जो फरियादी है वो फरियादी छुप के आगर से कहीं दूसरी जगह पे जाके छुप के 4 दिन से अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि हमला होने के पहले भी लगातार उसको धमकियां मिल रही थी और हमला होने के बाद भी लगातार उसको धमकियां मिल रही हैं। धमकियां विधायक और विधायक के गुंडे दे रहे हैं, वहां तक के तो ठीक है, पुलिस खुद भी उन्हें धमकियां दे रही है और दबाव बना रही है कि ये मारपीट की घटना नहीं है, आप इसे एक्सीडेंट की घटना बोलो। तो इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार, जो कि अपने आप को सुशासन में नंबर 1 बताती है, उनका सुशासन आज किस चरम पर पहुंच चुका है कि जनता जिसे अपना मत देकर विधायक बनाती है उनके हितों की रक्षा करने के लिए, आज वही विधायक खुद रेकी करवा के आम जनता की पिटाई करवा रहे हैं, और सिर्फ पिटाई नहीं करवा रहे हैं, जान से मरवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगर मालवा के विधायक की ये पहली करतूत नहीं है, ऐसी कई सारी करतूतें पहले भी हो चुकी है, कई सारे ऐसे गैर कानूनी काम जो कि आगर के विधायक द्वारा करवाए जा रहे हैं आगर विधानसभा में, और ये उसका एक तरोताज़ा उदाहरण है। तो आप मीडिया के सभी साथियों से मेरी यही विनती है, ये आम व्यक्ति है, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका जवाब विधायक को सामने आकर देना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के DGP से प्रेस के माध्यम से मांग करता हूं कि जो फरियादी है, जो आज अधमरी हालत में जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन कर रहा है, उनके मांग पर जो कार्रवाई कराना चाहते हैं, FIR दर्ज कराना चाहते हैं, वो FIR दर्ज हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।